नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MSSSC नोट्स में। तो दोस्तों हाजिर हैं आपके सामने लेकर हिंदी भाषा का प्रैक्टिस पेपर भाग तीन यानी तीसरा पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और दोस्तों इसमें हमने आपके लिए मोस्ट हाइलाइटेड क्वेश्चंस को आपके लिए सिलेक्ट करके तैयार किया हुआ है। इस वीडियो को सारे चुने हुए बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो आपको देखना है आप इसमें से कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाते हैं, साथ ही अपना आप मूल्यांकन भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज के वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। आपको जाके वहाँ पे मोहित शुक्ला सर्च करना है तो आपको हमारे द्वारा जो भी कोर्सेज हैं वहाँ पे आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगे। आप देखेंगे आपको यहाँ पर भी UPTET, CTET, CTET सारे कोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं, तो क्लिक करके फॉलो करना ना भूलें। बाकी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो प्रक्रिया आपकी स्क्रीन पर है, तो आपको हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। सुविधा शुल्क केवल 50 रुपीज़ है, पे करने के बाद स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर भेजना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप सभी अपना कमेंट में आंसर बताइएगा कि हमने इसमें आपको पहले बता देते हैं 30 प्रश्न लिए हैं। कितने हैं 30 प्रश्न? जी हाँ, आपने 30 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं आप उसे कमेंट करके बताइएगा। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन सा है? मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे या मुक्ति बोध? बताइए लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे कहा जाता है। आई थिंक आप सभी ने अपना आंसर कमेंट कर लिया होगा और टिक भी कर लिया है। तो पहले का आपको बता दिया जाए, गोस्वामी तुलसीदास जी को लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। ठीक है, देखिए गोदान उपन्यास जैसा कि आप सभी को पता है ये किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की है। तो पूछ रहा है इस उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है किस कारण से? बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों का उपदेश दिलाने से, या फिर साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से? देखिए आपका ये इस प्रकार का एक प्रश्न है, पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी क्यों आई है। तो आई थिंक आप सभी ने अपना जो ऑप्शन है टिक कर लिया होगा, तो टिक करते रहिए। इसी प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर इसमें भी बी होगा, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से आपके गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। कसावट का मतलब होता है उसमें जो अट्रैक्टिव या आकर्षण होता है उसमें कमी आ जाना। ठीक है, आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पर कि कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। देखिए केशव दास जी थे, इनकी पूछा जा रहा है कि कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है, वह कौन सा है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया या रतन बावनी? तो राइट आंसर 3 का क्या है? तो आई थिंक आप सभी ने अपना आंसर टिक कर लिया है, तो जल्दी से टिक कीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करते रहिए। और 3 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि रामचंद्रिका। अगला प्रश्न आ रहा है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दर निष्पत्ति, यह एक आपका सूत्र है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दर निष्पत्ति, यह सूत्र किसने दिया था? भरत मुनि, कुंतक, वामन या क्षेमेंद्र जी? बताइए यह सूत्र किसने दिया था। तो दोस्तों सही आंसर होगा इसमें भरत मुनि ने यह सूत्र प्रतिपादित किया था। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछ लेता है। अगला है कि आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक होता है? व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण कराना या उपरोक्त सभी? तो 5 का सही आंसर है आपका उपरोक्त सभी होता है। देखिए आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण कराना, सभी जो है इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे आते हैं, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि इनमें से कौन सी है? कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली या व्याख्या प्रणाली? तो आप लोगों ने अपना इसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा आई थिंक। तो 6 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी कक्षा अभिनय प्रणाली नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि होती है। अगला है, इनमें से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? पाठ्य पुस्तक का कौन सा गुण नहीं है? सादृश्यता, उपयुक्तता, अशुद्धता या क्रमबद्धता? तो 7 का सही आंसर टिक करके बताएं, फटाफट कमेंट में बताएं क्या होगा।
तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर जी हाँ सी, अशुद्धता। यह जो है पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं होता। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है, ट च त या उ, तो कौन सा वर्ण जो है आपका दंत वर्ण है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। आठवें में सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी होता है, यानी त जो है आपका दंत वर्ण के अंतर्गत आता है, और आप सभी ने सही आंसर बताया भी होगा। पूछ रहा है अगला, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, ऊंट काठ दूध या काम, तो तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी दुग्ध जो है आपका तत्सम है, बाकी सब आपका क्या है तद्भव है। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है, वक्त वरक वक्र या वर्ग, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले वह कौन सा शब्द आता है या उसे क्या कहा जाता है, तो पहले जो शब्द आता है उसे वक्त कहा जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना सभी लोग, ठीक है। आगे आते हैं, मोक्ष की इच्छा करने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द में बताइए क्या कहा जाता है, मुमुक्षा मुमूर्स मुमुक्षु या मुमूर्सा, यानी मोक्ष की इच्छा करने वाले को क्या कहा जाता है, तो आई थिंक आप सभी ने अपना ऑप्शन टिक कर लिया, यानी ऑप्शन नंबर सी मुमुक्षु, मुमुक्षु को कहा जाता है मोक्ष की इच्छा करने वाले को। अगला है, हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है, अंग, तो अंग किस शब्द से पहले आता है, औ अह या आ, तो अंग सभी को पता होगा, आप लोगों ने जब वर्णमाला पढ़ा है अच्छे से तो सभी को पता हो गया होगा, 12 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, तो अह से पहले अंग आता है, तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, तो आप लोगों ने टिक कर लिया होगा। अगला है, उपकार को न मानने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, कृतज्ञ उपकारी कृतज्ञ या अपकारी, उपकार को न मानने वाले को वाक्यांश के लिए एक शब्द में बताएं क्या होगा, 13 का कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है, उपकार को न मानने वाला उसे कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है, कृतज्ञ। अगला है, ताजमहल फिलिंग द ब्लैंक्स का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी, शिल्पकला मूर्तिकला चित्रकला या स्थापत्य कला, तो ताजमहल जो है आपका किसकी एक अद्भुत नमूना है, किस चीज़ का है, तो आपका स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, फिलिंग द ब्लैंक्स व्यक्ति को किंक कर्तव्य विमूढ़ बना देती है, किंक कर्तव्य विमूढ़ बना देती है, दुविधा सुविधा विविधा या अविधा, वह क्या होता है जो व्यक्ति को किंक कर्तव्य विमूढ़ बना देती है, तो 15 का राइट आंसर बताएं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए दुविधा। अब आप सोच रहे होंगे किंक कर्तव्य विमूढ़ होता क्या है, ऐसा अर्थ होता है मतलब कि आपका जो भी कर्तव्य है उससे आपको भटका देना, यह कार्य करता है आपका दुविधा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो लेखक के अंत में क इक आक या अक, तो दोस्तों सही आंसर फटाफट कमेंट करके बताएं, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए डी होगा, यानी अक, लेखक में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, अक प्रत्यय जुड़ा है, उपसर्ग पहले जुड़ता है प्रत्यय बाद में, तो आप सभी को पता भी होगा ऑप्शन नंबर डी सही है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं, नरेंद्र शर्मा हरिवंश राय बच्चन बालकृष्ण शर्मा नवीन या भगवती चरण वर्मा, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसने लिखा था या किसने कहा था, 17 का राइट आंसर बताएं, तो आप लोगों ने कमेंट आई थिंक कर लिया होगा और अपना आंसर भी चूज़ कर लिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी भगवती चरण वर्मा जी का यह पंक्ति है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। अन्या से अनन्या किसकी रचना है, मैत्री पुष्पा मृदुला गर्ग कृष्णा शोभाती या प्रभा खेतान, अन्या से अनन्या ये किसकी रचना है पूछा जा रहा है 18 में, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या है आपका, डी है, जिन्हें नहीं पता है याद रखिएगा, प्रभा खेतान का यह रचना है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। अगला है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार होगा, फूले का सकल मही छाई जिनु बरसा ऋतु प्रकट बुहाई, ठीक है फिर से पढ़ देते हैं, फूले का सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा उत्प्रेक्षा रूपक या श्लेष, तो 19 का राइट आंसर फटाफट कमेंट करके बताएं, यानी कि आपका यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार आप सभी ने टिक कर लिया, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत और झुक झुक परत जेह चितवत एक बार, किस कवि द्वारा लिखी गई यह काव्य की पंक्तियां हैं, देव जी बिहारी जी रसलीन द्वारा या मतिराम, बताइए, अमी हलाहल मत भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुक परत जेह चितवत एक बार, इस किसने लिखा था, तो राइट आंसर 20 का फटाफट कमेंट करके बताएं, तो सही आंसर है रसलीन ने, किसने लिखा था ये, रसलीन ने इस पंक्ति को लिखा था।
आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? बंकिम चंद चटर्जी, शरद चंद्र उपाध्याय, भगत सिंह या जैनेन्द्र? तो बताएं, देखते हैं आप लोग क्या बताते हैं। आवारा मसीहा किसकी जीवन मतलब किसकी जीवन चरित्र की एक रचना है या किस पे आधारित है? बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, भगत सिंह, जैनेन्द्र। राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर बी होगा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे आवारा मसीहा जीवनी में इनका जीवन वृत्तांत है। पिता कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी, उषा प्रियवंदा, उदय प्रकाश या ज्ञान रंजन? 22 का राइट आंसर कमेंट करके बताएं जल्दी से। राइट आंसर होगा ज्ञान रंजन। ठीक है, पिता कहानी के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन जी हैं। अगला है, हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? हिंदी नए चाल में ढली यह कथन किसका है? अजय प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद, रामानंद शुक्ल या नागेंद्र जी की? तो 23 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यह कथन था कि हिंदी नए चाल में ढल चुकी है। ठीक है, तो चलें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? सौ अजान और एक सुजान, धूर्त रसिक लाल, निस्सहाय हिंदू या श्याम स्वप्न? बताइए इसमें से कौन सी जो उपन्यास है बालकृष्ण शर्मा जी की है। 24 का राइट आंसर बताएं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सौ अजान और एक सुजान, ये आपके बालकृष्ण भट्ट जी की है। आगे आते हैं, चंदायन किसकी रचना है या चंदायन के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुदुबन मंझन या मुल्ला दाऊद? तो चंदायन के रचयिता मित्रों कौन हैं आपके? सही आंसर मुल्ला दाऊद जी हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चंदायन के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद जी। अगला है, द्विवेदी युग नामकरण किसने किया है या किसने किया गया किसके द्वारा किया गया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांतिप्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर या सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? 26 का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, छायावादी प्रकृति की रचना सबसे पहले किसने दिखलाई थी या दिखलाई पड़ी किसमें? सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराली जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे उनकी रचनाओं में या श्रीधर पाठक जी के? बताइए छायावाद प्रकृति की रचना सबसे अधिक या सबसे पहले किसमें दिखलाई पड़ी थी, किनकी रचनाओं में या किनकी कविताओं में? 27 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मुकुटधर पांडे जी की जो रचना थी उसमें सबसे पहले छायावादी प्रकृति की रचना दिखी थी। अगला है कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो सात कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था? पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, तार सप्तक या तार सप्तक? बताइए भाई 28 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, यानी तार सप्तक ही होता है जो एक दूसरे से भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो सात कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए उनकी रचनाओं के संग्रह को तार सप्तक कहा जाता है। अगला है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमी शराय, जयप्रकाश कर्दम या शिवराम सिंह बेचैन? तो अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है? 29 का राइट आंसर कमेंट करें। तो सही आंसर है मोहनदास नैमी शराय जो है आपके इनकी जो है यह आत्मकथा है। ठीक है, अगला है इदनमय, ठीक है, अगला जो है इदनमय रचना किसकी है? यहाँ पे आपका मय लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा इदनमय। तो इदनमय रचना किसकी है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, ममता कालिया, मन्नू भंडारी, चित्रा मधुगल या मैत्रेयी पुष्पा? तो इदनमय की किसकी रचना है तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मैत्री पुष्पा जी की रचना है। तो आप लोगों ने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट करके बताएं, अपना जो भी आप लोगों का मार्क्स था कितने आप लोगों ने सही किए। और इम्पॉर्टेंट वीडियो, अगर आपको हमारी जो मेहनत था ये प्रयास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को यही कर देना जो स्क्रीन पर दिख रहा है, यानी लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। इसी तरह का अगला पार्ट भी हम लेकर आएंगे आपके लिए। वीडियो को अधिक अधिक लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। Thank you.